हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ की रसोई। और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर कटलेट। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी से। तो सबसे पहले जो कटलेट में भजा मसाला पड़ता है उसको हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए सौंफ हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, काली इलायची एक पीस, लौंग 1 से 2, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। और एक फ्राई पैन में हम इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि रोस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ताकि इनको हम अच्छे से पीस सकें। ज़्यादा बारीक हमें पीसना नहीं है, थोड़ा सा मोटा दरदरा रखना है, लेकिन रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रेगनेंस अच्छी आती है। तो इस तरीके से हम इनको चला चला के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम 1 चम्मच धनिया, मोटा धनिया पिसा हुआ जो है वो डाल देंगे। अगर आपके पास धनिया वाला दाना है, मतलब बीज है उसके, तो वो डाल दीजिए क्योंकि वो मसाले के साथ ग्राइंड हो जाएगी। तो ये सारे लगभग रेडी हो गए हैं, भुन गए हैं। अब इनको हम अच्छा कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, मसालों को ठंडा करना बहुत ज़रूरी। इसके बाद हमें ग्राइंडिंग जार में लेंगे और इन्हें हम मोटा सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से, जैसा मैंने आपको दिखाया हुआ है, मोटा ही पीसना है। और चलिए अब चलते हैं पनीर को ले, एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें हम 200 ग्राम पनीर लेंगे और उसको हम ग्रेट कर लेंगे। जी हाँ, ये पनीर ग्रेट हो गया। अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ का गाजर भी लेंगे, उसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये गाजर भी हमने ग्रेट कर ली है मीडियम साइज़ की, तो इसमें से आधी हम छोड़ देंगे कि पूरी बहुत हो जाएगी पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से, तो इतना हम करके निकाल देंगे। इसके बाद 2 हरी मिर्च हम डालेंगे बारीक काट के। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल नहीं पसंद है तो आप हटा सकते हैं, क्योंकि जो हम भजा मसाला रेडी किया है वो भी बहुत ही स्पाइसी है। तो आप अगर तीखा नहीं ज़्यादा पसंद करते तो आप मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐड किया हुआ है क्योंकि कटलेट है, थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए अभी पनीर कटलेट। तो मैंने अब इसमें 1 चम्मच हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, मेन फ्लेवर देता है। और आप इसमें हरा धनिया भी काट के ऐड कर सकते हैं, मुझे इजीली अवेलेबल नहीं हुआ तो मैंने नहीं डाला। 1 चम्मच आमचूर पाउडर इसमें ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, और काला नमक 1/2 चम्मच एज पर टेस्ट, इसका सफ़ेद नमक एज पर टेस्ट हम ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने का तरीका क्या है, मुलायम हाथों से मिलाएंगे, जो लच्छे हमने बनाए हैं लच्छे नहीं बिगड़ने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का ही टेक्सचर अच्छा आता है बाद में कटलेट में। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से इन्हें मिक्स करिए कि पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, लेकिन लच्छे आपके दबे नहीं। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसमें जो हमने भजा मसाला रेडी किया था वो भी हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और अब इनको भी हम अगेन सेम मेथड से मिक्स करेंगे कि हमें जो लच्छे हैं वो हमारे बिगड़े नहीं, उनका टेक्सचर एज इट इज़ बना रहे। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में बना के खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। बाजार का आप खाना भूल जाएंगे, घर में इतने टेस्टी ये रेडी होते हैं। और इनको और क्रिस्पी बनाने के लिए हमने ब्रेड क्रम्बल रेडी किया हुआ है, इसको हमने ले लिया है। और ब्रेड क्रम्बल को स्टिक करने के लिए हम घोल रेडी करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने मैदा और सेम चम्मच से मैंने 1 चम्मच स्टार्च पाउडर लिया और इनको मिला के पतला घोल रेडी कर लिया। तो चलिए अब बनाते हैं कटलेट, पनीर कटलेट। बहुत टेस्टी बनते हैं दोस्तों, गारंटी है इस चीज़ की, आप अपने किचन में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। एक पोर्शन ले लेंगे हम हाथ में और इसको ऐसे हथेली और उंगलियों की हेल्प से ऐसे पुश करते जाएंगे, और इसे थोड़ा सा लंबा हम लोग सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा दबाइएगा अच्छे से, क्योंकि अच्छे से आप इसको हाथ से करेंगे ना तो ये जो लच्छे हैं ना ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा, दबा दे, छितरे छितरे से रहेंगे ना तो फिर वो निकलने लगेगा, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से इसको थोड़ा सा अच्छे से हमें फोर्सफुली इसको करना है, और इस तरीके से दोनों एंड इसके हमें बराबर कर देने हैं। तो देखिए, ये हमारा पनीर कटलेट अभी रेडी हो गया है और इसको हम डालेंगे। ये देखिए निकल जा रहा ना बार बार, तो थोड़ा सा इसको हमें टाइटली करना रहेगा। अब इसको हमने जो घोल रेडी किया था उसमें इसको हम डिप करेंगे ऐसे,
और फिर इसके बाद अच्छे से इसमें हम कर लेंगे, कोटिंग कर लेंगे कि फर्स्ट कोटिंग ये है। तो इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्बल में डाल देंगे। और हिला देंगे तो क्या है इससे ये मीन्स प्रॉपर मैरिनेट हो जाएगा इसके ऊपर ब्रेड क्रम्बल अच्छे से। इसी तरीके से हम बनाएंगे सारे जितना भी मटेरियल है उसके ब्रेड क्रम्बल हम रेडी करेंगे। और जब इनको हम झाड़ेंगे, झाड़ना नहीं है हमें, इस तरीके से लेंगे हाथ में और इसको फिर से दोबारा से थोड़ा सा ऐसे ऐसे दबा देंगे, पेस्ट कर देंगे ताकि जो क्रम्बल्स हैं वो उसमें स्टिक हो जाए अच्छे से और तेल जो है अच्छा ख़राब नहीं हो हमारा ज़्यादा। ऐसे ही करके हम सारे ब्रेड क्रम्बल अपने सॉरी ब्रेड क्रम्बल कह रही हूँ मैं, अपने जो पनीर कटलेट हैं उनको हम रेडी कर लेंगे। ठीक से ब्रेड क्रम्बल मैंने घर में ही बनाया था और बहुत आसान से बन जाता है, बाजार का आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सारे पनीर कटलेट हमारे रेडी हो गए, तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। हम डीप फ्राई करेंगे तेल में, तेल मैंने गरम कर लिया है पैन में, अब उसमें डाल देंगे हल्के हाथों से, इन्हें मीडियम आज पे हम पकाएंगे क्योंकि पनीर भी कच्चा है और मसाले भी कुछ पके हैं कुछ कच्चे हैं, तो थोड़ा सा हमें पकाना पड़ेगा। इस तरीके से सारे वन बाई वन करके आसानी से हम डाल देंगे तेल में। ऐसे और बराबर इनको चलाते रहेंगे। और ये गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम भूनेंगे। और ये पक गए हैं मतलब ये फ्राई हो गए अच्छे से, ज़्यादा फ्राई नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई लेयर खास है नहीं, सिर्फ पनीर है। तो थोड़ा सा आपने देखा एक चिटक भी है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो हो जाता है, लेकिन फ्लेम मीडियम रखनी है और इन्हें अच्छे से पका लेना है, निकालते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी मेरी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर्व कीजिए अपनी फैमिली को गर्मा गर्म कटलेट हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, जैसे पसंद हो वैसे आप इन्हें सर्व कीजिए। तो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बताइएगा ज़रूर कैसे लगे, आपको कमेंट करके बताइएगा कि पनीर कटलेट कैसे लगे, आपने अपनी किचन में बनाए तो कैसे बने।